तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 56 लोगों की मौत के बाद देश भर में हलचल मच गई है। राज्य में जहरीली शराब पीने से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। 55 लोग का मर जाने के बावजूद, इलीगल काम के द्वारा मर जाने के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल गांधी जी एक भी बयान आज तक नहीं दिए। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची हूच त्रासदी में हुई करीब 56 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तमिलनाडु के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? उन्हें राज्य के लोगों के वोट तो चाहिए, लेकिन उनके बारे में सोचना नहीं है। आप भी सुनिए वित्त मंत्री का ये बयान। तमिलनाडु में जो गैर कानूनी लिकर के वजह से 56 लोग का मौत हुआ, इसके कारण 5 बच्चे दोनों माँ बाप का खो करके आज अनाथ हो गए हैं, और 200 से ज्यादा लोग आज भी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, और सम आज भी एक आध क्रिटिकल हालात में है। ये पूरे जहां नशाबंदी प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब प्रोहिबिशन लागू नहीं है तमिलनाडु में, पूरे जहां चाहिए वहां आपको लिकर लाइसेंस दुकान से, ठेकेदारी से आपको मिलता है। ऐसे हालात में तमिलनाडु में लाइसेंस लिकर जब आपको मिलता है, ये इलीगल लिकर, गैर कानूनी तरीके से केमिकल को उपयोग करते हुए बनाए हुए लिकर पी करके लोग के मरना हुआ है, जो बहुत ही दुखदायी है। इट्स रियली ट्रैजिक। इसमें बिल्कुल शहर के अंदर ही जहां लोग बसे हैं, और एक तरफ पुलिस स्टेशन है, दूसरी तरफ कोर्ट का रास्ता है, इस जगह पर खुलेआम इलीगल तरीके से बनाया हुआ लिकर का सेल पहला होता है, उसमें इतना लोग जाकर हर रोज पी रहे हैं, ये पुलिस को मालूम नहीं है क्या? बिल्कुल सरकार के पीछे के रास्ता से सपोर्ट, और पुलिस में सभी नहीं, एकाध का सपोर्ट के साथ ही ये एक्टिविटी चल रही है। इसमें इतने लोग मर गए भी। मेरा आज इस विषय में आपको एक प्रश्न आपके सामने, आपके द्वारा रखना चाहती हूं कि डीएमके जो सत्ता में है तमिलनाडु में, उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है। आज तक तमिलनाडु में 55 लोग का, 56 नॉट 55 लोग का मर जाने के बावजूद, इलीगल काम के द्वारा मर जाने के बावजूद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी या राहुल गांधी जी एक भी बयान आज तक नहीं दिए। और असेंबली तमिलनाडु में चल रही है, उसमें ऑपोजिशन का, पार्टी एडीएमके का बात करने का एक भी मोमेंट समय नहीं दिया गया, बीजेपी को इस विषय में बात करने को समय नहीं दिया गया, और एकदम तानाशाही मेथड्स के द्वारा पूरे विपक्ष को चुप रहने के लिए धमकी दिया जा रहा है। कांग्रेस को तमिल के जीवन में और तमिल लोग के हत्या जो हो रही है क्योंकि इलीगल लिकर के वजह से, उसके ऊपर कोई भी दुख नहीं है क्या? क्यों कांग्रेस प्रेसिडेंट आज तक उस विषय में, और जबकि ये लोग, ज्यादातर लोग जो इसमें मर गए हैं वो शेड्यूल कैस्ट लोग है, दलित है, क्यों कांग्रेस प्रेसिडेंट का मन में दुख नहीं लग रहा? इसके ऊपर क्यों वो बयान नहीं दिया अभी तक? राहुल गांधी जी जो तमिलनाडु में जाकर के बयानबाजी करते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ के, क्यों साउथ का जीवन का मूल्य कुछ नहीं है उनका? इसीलिए मैं डिमांड करती हूं कांग्रेस इस विषय में उनके द्वारा, उनके अलायंस के पार्टी के द्वारा दुशासन जो चल रही है उधर, उसके ऊपर क्यों टिप्पणी नहीं दिया? आज पूरे देश में
जो भी जहां भी चल रहा है उसके ऊपर सुबह उठकर के बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्तागण कहां चुप रहे हैं, क्योंकि उनकी अलायंस की सरकार है, कहीं ना कहीं इस वजह से चुप है। लेकिन आप लोग मामला उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। बिल्कुल, मैं डिमांड करती हूं इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथ में सौंपना चाहिए। तमिलनाडु में न्याय नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि सरकार उधर इसका इनडायरेक्टली प्रोत्साहन देख करके, प्रोहिबिशन जहां स्टेट में नहीं है, लाइसेंस के द्वारा बॉटल लिकर आपको मिल रही है, फिर भी स्पूरियस लिकर घर के पीछे टेंट लगा करके शेड में उधर ही उधर तैयार करके केमिकल लिकर जो सर्व कर रहे हैं उसके वजह से ये सब घटना हुई है। इसीलिए मैं मांग रख रही हूं ये पूरे मामला सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से मैं डिमांड कर रही हूं, तमिलनाडु के लाइफ्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपको वोट चाहिए मगर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे। शर्मनाक बिहेवियर है कांग्रेस का। गौरतलब है कि 19 जून को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची शहर में जहरीली शराब पीने के बाद मरने वालों की संख्या 56 पहुंच गई है, जिसको लेकर अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।